अब हम आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में देखेंगे कि ये चट्टानें कैसी हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो सबसे ओल्डेस्ट चट्टानें हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जब जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं थी उसके पहले की चट्टानें हैं, जिनको हम आर्कियन या अध महाकल्प काल की चट्टानें कहते हैं। ठीक है, ये चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानों में एक मानी जाती हैं। ठीक है, इनको अग्नेय चट्टान भी कहा जाता है, इनको अग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण तप्त और पिघली हुई पृथ्वी के अंदर से जो लावा मेल्ट निकला था, पिघला हुआ मेल्ट निकला था, उसको ठंडा हो जाने के कारण इन सब चट्टानों का निर्माण हुआ। इसीलिए इस चट्टान पे जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है ना, वर्तमान में अत्यधिक रूपांतरण के कारण ये चट्टानें नष्ट हो गई, क्योंकि बहुत ओल्डेस्ट चट्टानें थी और समय के साथ परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण ये चट्टान सबसे ज़्यादा रूपावशेष ही बचा है, कहीं कहीं मिल जाए आपको तो। ठीक है, नष्ट हो गई ये चट्टानें। पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टान मानी जाती हैं और पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टानें इनको कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टानें, चट्टानों का दर्जा इनको मिला है क्योंकि सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है ना, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, इन चट्टानों में जीवाश्म आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जीवाश्म इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जीव का उदय नहीं था। ठीक है, ये चट्टानें मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के पठार में नीस के फार्म में पाई जाती हैं। किस फार्म में पाई जाती हैं मेरे भाई? ये नीस और शिष्ट का निर्माण करती हैं। नीस और शिष्ट के फार्म में बुंदेलखंड के पठार पे ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, यहाँ पे मैप में आप देखिए आर्कियन क्रम की ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बुंदेलखंड का पार्ट है, आर्कियन क्रम की चट्टानें वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, अब देखिए जो मध्य प्रदेश का जिला इसमें कवर होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो जिला इसमें कवर होता है वो है टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी, इन सब जगहों पे ये चट्टानें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना, और प्रदेश में इनका विस्तार काफ़ी है, काफ़ी जिलों को ये कवर कर रही हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये रहा मध्य प्रदेश का मैप, बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन समझने के लिए ठीक है। ठीक है, और ये रहा हमारा पार्ट सेकंड का वीडियो। ठीक, तो ये रही हमारे क्रम की चट्टानें, और भी जो भी इनमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपको वीडियो के साथ अटैच मिलेंगे। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम के चट्टानों के बाद फिर हम दूसरी चट्टान पढ़ेंगे, आर्कियन क्रम के बाद हम थड़वार क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक आप हमारे